किस बात को लेकर फैली अफवाह? Rumor spread about what? बेटों की लंबी उम्र के लिए बिहार में जितिया पर्व मनाया जाता है. जितिया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सन्स. माताएं इस दिन बेटों की लंबी उम्र, सुखी जीवन और निरोग शरीर के लिए व्रत रखती हैं. Mothers keep a fast on this day for the long life, happy life and healthy body of their sons. इसके बाद कुछ पकवान बनता है और स्पेशली बेटों को खिलाया जाता है. After this some dish is made and specially fed to the sons. लेकिन सीतामढ़ी जिले में अफवाह फैल गई कि पार्ले जी बिस्किट न खाने वाले बेटों के साथ अनहोनी हो रही है. But a rumor spread in Sitamarhi district that unhappy things are happening to sons who do not eat Parle Ji biscuits. देखते ही देखते पूरा जिला इस अफवाह की चपेट में आ गया. Soon the whole district came under the grip of this rumor. बेटों की खातिर सभी लोग घर का पकवान छोड़ पार्ले जी बिस्किट ढूंढने निकल पड़े. फॉर द सेक ऑफ द सन्स एवरीवन लेफ्ट द हाउस डिश एंड वेंट आउट टू फाइंड पार्ले जी बिस्किट्स. दुकानों के आगे लाइनें लग गईं. देयर वर लाइंस इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स. अफरा तफरी का माहौल हो गया. There was an atmosphere of chaos. दुकानों से पार्ले जी गायब हो गया. पार्ले जी disappeared from the shops. हम 21वीं सदी में जी रहे हैं. We are living in the 21st century. इस दौर में हमें अंधविश्वास में बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए. इन दिस पीरियड वी शुड नॉट फॉल इन टू सुपरस्टिशन एट ऑल. यह बेहद हास्यास्पद अफवाह है. दिस इज अ वेरी रिडिक्यूलस रूमर. अंधविश्वास की जड़ें समाज के कोने कोने में फैली हुई है. The roots of superstition are spread in every nook and corner of the society. ऐसे अफवाह न फैले इसके लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है, ताकि हमारा समाज, हमारे लोग खुशहाल हो. In order not to spread such rumors, there is a need for awareness in the society, so that our society, our people are happy. दरअसल गुरुवार को जितिया पर्व से जोड़कर रात में एक अफवाह तेजी से फैली. इसमें कहा गया कि घर में जितने भी बेटे हैं. In fact, a rumor spread rapidly in the night by connecting it to the Jitia festival on Thursday. It said that there are many sons in the house. उन सभी को पार्ले जी बिस्किट खाना है. अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके साथ अनहोनी हो सकती है. All of them have to eat Parle Ji biscuit. If they do not do so, then untoward things may happen to them. बात बेटों की थी तो जंगल की आग की तरह फैलती चली गई. When it was about sons, it went on spreading like wildfire. बेटों के पर्व के दिन बेटों के लिए पार्ले जी बिस्किट ढूंढने लोग निकल पड़े. On the day of sons festival, people set out to find Parle Ji biscuits for their sons. इतनी महंगी भी नहीं थी कि मन मारना पड़े.
It was not so expensive that I had to kill myself. बस एक ही ख्वाहिश थी कि कहीं से मिल जाए. There was only one wish that I could meet somewhere. जिसे पार्ले जी मिल गया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. The happiness of the one who got Parle ji knew no bounds. जिसे पार्ले जी मिल गया उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा. The happiness of the one who got Parle ji knew no bounds. जिसको देर से पता चला या बिस्किट नहीं मिला तो उसके चेहरे पर मायूसी दिखी. The one who came to know later did not get the biscuits. Then there was dismay on his face. What is difference between combustible and non-combustible material? दहनशील और गैर दहनशील सामग्री के बीच अंतर क्या है? दाह्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, स्पिरिट, मिट्टी का तेल आदि. Combustible substances, such substances which catch fire easily, they are called combustible substances, such as petrol, spirit, kerosene etc. अदाह्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, ईंट, लोहा व पत्थर आदि. नॉन कम्बस्टेबल मटीरियल्स, सच सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच फायर, दे आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टेबल मटीरियल्स, सच इज ग्लास, ब्रिक, आयरन एंड स्टोन ईटीसी. वॉट इज डिफरेंस बिटवीन कम्बस्टेबल एंड नॉन कम्बस्टेबल मटीरियल? दहनशील और गैर दहनशील सामग्री के बीच अंतर क्या है? दाह्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो सुगमता से आग पकड़ लेते हैं, उन्हें दाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे पेट्रोल, स्पिरिट, मिट्टी का तेल आदि. कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस, सच सब्सटेंसेस विच कैच फायर ईजिली, दे आर कॉल्ड कम्बस्टेबल सब्सटेंसेस, सच इज पेट्रोल, स्पिरिट, केरोसिन ईटीसी. अदाह्य पदार्थ ऐसे पदार्थ जो आग नहीं पकड़ते, उन्हें अदाह्य पदार्थ कहते हैं, जैसे कांच, ईंट, लोहा व पत्थर आदि. नॉन कम्बस्टेबल मटीरियल्स, सच सब्सटेंसेस विच डू नॉट कैच फायर, दे आर कॉल्ड नॉन कम्बस्टेबल मटीरियल्स, सच इज ग्लास, ब्रिक, आयरन एंड स्टोन ईटीसी. तुम्हें पता है रामायण में दशरथ जी की तीन पत्नियां थीं? तो क्या मैं दो विवाह और कर सकता हूँ? अच्छा, तुमने महाभारत देखी है? उसमें द्रौपदी जी के पांच पति थे.